नई ट्रैफिक पॉलिसी के चलते गुजरात सरकार की ओर से आदेश किए गए हैं और जिसको लेकर वडोदरा पुलिस भी अब जगह जगह पर मोर्चा खोलकर बैठी है। वहीं पर आम प्रजा अब पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारों में दिख रही है। यहां पर आप देख सकते हैं, ये वडोदरा का पेट्रोल पंप है जहां पर लोग POC का सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए यहां पर आए हैं और घंटों घंटों तक उनको इंतजार करना पड़ता है, क्योंकि आखिरकार जब ये रोड के ऊपर ये लोग अपने वाहन लेकर निकलते हैं तब पुलिस उनको अगर रोकती है तब इनके साथ साथ उनको जो जरूरत होती है वो POC सर्टिफिकेट के साथ साथ RC बुक और लाइसेंस की भी जरूरत होती है। मगर घंटों तक इंतजार करने के बाद जब यहाँ पर जो लोग कतार में बैठे हैं उनके लिए वडोदरा के पेट्रोल पंप ने एक ऐसा अनूठा तरीका निकाला है कि अब जो लोग हैं उनको घंटों इंतजार करना भी अब अच्छा लगता है। उसके पीछे की वजह यह है कि उन ओनर ने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुफ्त खाने की व्यवस्था की है। जो लोग यहाँ पर POC सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए आते हैं तो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पर ये पूरी जो व्यवस्था की गई है, तो यहाँ पर लोग जो यहाँ पर आते हैं तब उनको मुफ्त में खाना परोसा जा रहा है। और इसके चलते यहाँ पर सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये हुआ है कि अब जो लोग यहाँ पर POC सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए आते हैं तो वो घंटों तक इंतजार तो करते हैं मगर अब उनको अच्छा भी लगता है। तो सर, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कोई जगह पे ऐसी सुविधा नहीं है। मगर आपको ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं घंटों तक आप इंतजार कर रहे थे, जब आपको यहाँ पर खाना परोसा गया तो अब इंतजार करना भी अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है, इंतजार करना भी अच्छा लगता है। आप क्या मानते? बहुत बढ़िया है सजेशन यहाँ का। और हम तो दूसरी जगह पेट्रोल भी पुराते हैं तो पानी भी पूछता नहीं है, तो खाना खिलाते हैं, बहुत बढ़िया है। तो लोगों का ये मानना है कि जो अगर POC सर्टिफिकेट निकलवाने के लिए उनको घंटों तक जो इंतजार करना पड़ता है, तो लोगों को ये इंतजार के साथ साथ खाना पीना भी अगर मुहैया करवाया जाए तो इससे बेहतर क्या बात हो सकती है। ये जो पूरी व्यवस्था है इनके पीछे जिनका जो माइंड है हम उन्हीं से जानते हैं। सर, आप ये बताइए, जब कितने सारे लोगों को आप अभी तक खाना खिला चुके? हम कल 1200-1300 आदमी का था और आज हमारा अभी 500-600 आदमी का खाना हो गया। हम सुबह 7 बजे से चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था किया है, 12 बजे तक चाय कॉफ़ी देते, बाद में हम खाने का करते। और हमारा अभी 12 बजे से चालू है खाने का, अभी तक चालू है। आप देख सकते हो हमारे वहाँ POC वाले आते हैं, वो सब दो दो तीन तीन चार चार घंटा लाइन में खड़ा रहता है, उसका कुछ खाने का रहता नहीं है, तो हमने ये सब फ्री में व्यवस्था किया है। तो मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि कितने सारे लोगों ने अभी तक आपके खाने का वो लुत्फ़ उठाया? हमारा कल सुबह हमारा 1200-1300 का था, शाम को हमारा 500-600 आदमी का था, अभी सुबह से चालू है, अभी आज 1500-2000 का खाने का हो जाएगा जी। और ये मुहिम कब तक चालू रखना चाहते हैं आप? हम जहाँ तक लाइन होगा तो वहाँ तक खाने का चालू रखेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि ओनर का ये कहना है कि जब तक POC सर्टिफिकेट के लिए लोग कतार लगाते रहेंगे तब तक ये खाना परोसते रहेंगे। कैमरामैन जितेंद्र राजपूत के साथ वशिष्ठ शुक्ला, गुजरात तक।